Regards from Arya Institute of English में what happens to acid or base in a water solutions के बारे में हम आगे की information में collect करेंगे. This is a very easy part among all, at the same time it is very important. Here, do acid produce ions only in aqueous solution? इसकी test करनी है. Take about 1 gram of solid NaCl in a clean and dry TT and set up the apparatus as shown in figure 2.4. तो ये आपको ऐसे सेटअप करना है. Add concentrated H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड आपको इसके अंदर डालना है एंड ऑब्जर्व करना है कि गैस कमिंग आउट एंड डिलीवरी ट्यूब के अंदर उसको कलेक्ट करना है. ये जो है उसको पैक किया है हमने रबर के कॉक लगा के और यहाँ से जो गैस आ रहा है उसके बारे में हम चेक करेंगे. टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसफुली विद ए ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर. अगर इसको ड्राई भी रखना है और एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर पे चेक करेंगे. इन विच केस डज ए लिटमस पेपर चेंज द कलर. तो बट ऑब्वियस है वो वेट होगा तभी ही ये दे पाएगा. ऑन द बेसिस ऑफ द अबव एक्टिविटी what do you infer about the acidic character of dry HCl gas and HCl solution? तो दोनों के बीच में बहुत ही फर्क हो जाता है. In the climate is very humid, you will have to pass the gas produced through a guard tube. तो इसके बीच में guard tube लगाया जाता है. इसे ये जो पार्ट बताया that is called as a guard tube which is containing, ये आपको याद रखना है कि इसके अंदर क्या होता है. guard tube के अंदर calcium chloride. इसका काम क्या है मेन, तो टू एब्जॉर्ब द मॉइस्चर और ए वाटर विच इज अवेलेबल इन दैट. सो पानी को सोख लेगा. एक्सपेरिमेंट ये सजेस्ट करता है कि हाइड्रोजन आयन जो है इन HCl आर प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. तो सेपरेशन ऑफ द H प्लस आयन फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल कैन नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर. तो HCl प्लस H2O तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, हाइड्रोनियम आयन. अगर एसिड है जो प्रोड्यूस करेंगे वो हाइड्रोनियम आयन. अगर हाइड्रोनियम आयन है तो ये एसिडिक इन नेचर है, ये प्रूव होता है. हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट एलोन, क्योंकि अगर मैं H प्लस लिखता हूँ तो इसका एग्जिस्टेंस नहीं होगा भाई, क्योंकि ये अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तभी ये बनेगा ना. ये प्रोड्यूस कब होगा, तो हाइड्रोजन जब अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा तो H प्लस बनेगा. तो H प्लस मतलब उसके पास ऑलरेडी एक ही इलेक्ट्रॉन है और दे देगा, तो ये स्टेबल नहीं हो सकता है. सो H प्लस के बदले इसके जो एक्सप्लेनेशन दिया गया था बाय ए ब्रॉन्स्टन एंड लॉरी करके जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन दिया था और उसके पे से ये प्रूव होता है कि एग्जिस्ट इन अ कंबाइनिंग विद अ वाटर मॉलिक्यूल. दिस हाइड्रोजन आयन मस्ट ऑलवेज बी शोन एज एच प्लस एक्वियस और ए हाइड्रोनियम आयन एच थ्री ओ प्लस. H प्लस जब भी कंबाइन होगा पानी के साथ तो क्या फॉर्म कर देगा, H3O प्लस. सो नाउ वी हैव सीन दैट एसिड गिव्स H3O प्लस और H प्लस आयन इन वाटर. नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन ए बेस को अगर मैं डिजोल्व करता हूँ तो क्या दे देगा. तो NaOH सॉलिड H2O जब मैं पास करूंगा तो इसके अंदर आयन बनेंगे Na प्लस का एक्वियस मीडियम में और OH माइनस इन एक्वियस मीडियम. सो इट इज गोइंग टू फॉर्म OH माइनस. अगर H3O प्लस में बनता है कहीं पे भी तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा, डैश इन नेचर. तो इट इज एसिडिक इन नेचर एंड ड्यूरिंग दैट अगर OH माइनस आयन प्रोड्यूस हो रहा है देन दैट टाइप ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड डैश इन नेचर, दैट इज कॉल्ड बेसिक इन नेचर. सो ये आपका एक सिंपल एक्सप्लेनेशन हो गया. अगर ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन इफ इट इज अ प्रोड्यूसिंग H3O प्लस आयन then it is acidic, अगर OH minus है then it is a basic in nature. Now based on this we are going to see about a certain simple thing. KOH है, थोड़े reaction इसके बारे में देख लेंगे. ये base है, अगर मैं उसके अंदर पानी डालूंगा तो ये K plus बनाएगा aqueous solution में और OH minus produce होगा aqueous में. So OH minus produce हुआ तो ये क्या हो गया, dash in nature, basic in nature. ऐसे ही अगर मैं MgOH2 ले लेता हूँ तो पानी डालूंगा उसके अंदर सॉलिड के अंदर तो ड्यूरिंग दैट इट इज गोइंग टू फॉर्म Mg2 प्लस एंड दो OH के आयन बनाएगा. तो ये दोनों सॉल्यूशन में जब भी OH प्रोड्यूस हो रहा है तो कैसे नेचर में होंगे, बेसिक इन नेचर.
Now bees generate hydroxide ion in water. Bees which are soluble in water, जो पानी के अंदर dissolve हो सकते हैं, जो पानी के अंदर dissolve हो सकते हैं, उसको क्या बोला जाएगा? Alkali. उसको क्या बोलेंगे हम? All bees do not dissolve in water. ऐसे जरूरी नहीं है कि सारे alkalis जो हो गए या जो पानी में dissolve हो गए, सारे bees जो है वो पानी में dissolve हो गए. तो alkali is a bees that dissolve in water. They are soppy in touch. जो डिजोल्व नहीं होते, कई बार अगर हम टच करते हैं तो सॉपी नजर आते हैं. टेस्ट में बीटर होते हैं, लेकिन एक ध्यान रखिए कि उसको टेस्ट नहीं करना है आपको. कोरोजी होते हैं, यानी जहाँ पे है वहाँ पे नुकसान भी कर सकते हैं. नेवर टेस्ट और टच देम एज दे मे कॉज ए हार्म. विच ऑफ द बीज इन द गिवन टेबल 2.1 आर आल्कली. तो 2.1 का जो टेबल था उसके अंदर आल्कली कौन से हो गए? जो पानी में डिजोल्व होते हैं. तो सिंपली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दे ऑल आर बेसिक इन नेचर. नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट ऑल एसिड जनरेट H+ एक्वियस एंड ऑल बेसिस जनरेट OH-. वी कैन व्यू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एज फॉलोस. तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे होती है एग्जैक्टली? अगर मैं एसिड के साथ बेस को कंबाइन करता हूँ तो क्या मुझे देगा? सॉल्ट प्लस वाटर. तो HX प्लस MOH, तो MX बनेगा प्लस साथ में ये HOH प्रोड्यूस हुआ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? वाटर H2O हो गया ना ये, तो इससे क्या बन गया? पानी. तो H प्लस एंड OH- गोइंग टू बी लिबरेट वाटर. तो इससे क्या प्रूव होता है कि एक सिंपल रिएक्शन लिख के हम देख लेते हैं. HCl प्लस NaOH when combines it is going to give you NaCl और साथ में क्या प्रोड्यूस करेगा? H2O. तो जो पानी प्रोड्यूस होने की रिएक्शन है और ये जो सॉल्ट बना उसकी रिएक्शन, ये MX, M स्टैंड फॉर मेटल, तो आगे का पार्ट मेटल होता है. X स्टैंड फॉर है हेलोजन ग्रुप, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन जो है उसको हेलोजन बोलेंगे. तो ये क्लोरीन NaCl जो प्रोड्यूस हुआ उसको सॉल्ट बोला जाएगा. तो दिस इज अ सॉल्ट, ये भी तो सॉल्ट है. अलोंग विद दैट इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस HOH मींस वाटर ओनली. सो लेट अस सी व्हाट इज इन्वॉल्व व्हेन द वाटर इज अ मिक्स विद एन एसिड और ए बेस. तो एग्जैक्टली क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ डिजोल्विंग एन एसिड और ए बेस इन अ वाटर इज अ हाईली एक्सोथर्मी. वो बहुत ही सारी हीट लिबरेट करता है बिकॉज ऑफ द लिबरलाइजेशन और रिलीज ऑफ द आयन. सो केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग ए कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड विथ वाटर. तो एसिड मस्ट बी ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू द वाटर कॉन्स्टेंट स्टरिंग. तो अगर मैं एक डायग्रामेटिकली आपको बता दूँ, तो अगर आपको डायल्यूट करना है किसी भी चीज़ को, एसिड को, तो आप पहले इसमें क्या करेंगे? यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे आप क्या लेंगे? एसिड. और उसके अंदर अगर आपने पानी डाला H2O, तो ये सरफेस के कांटेक्ट पे आते ही ये क्या कर देगा? रिएक्शन करेगा. सो दिस इज वेरी वेरी डेंजरस. सो यू कैन नॉट डू लाइक दिस, इट इज अ हार्मफुल. आपको क्या करना है? ऑपोजिट करेंगे आप. आप पहले पानी जितना डिजोल्व करना है तो H2O यहाँ पे लेंगे और उसके अंदर एक रोड लगा देंगे आप, एंड ग्रेजुअली यू हैव टू पोर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड. ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड अगर आप डालते हो तो ये ब्लास्ट नहीं होगा, ग्रेजुअली हीट विल बी एब्जॉर्ब. सो दिस विल बी द करेक्ट प्रोसेस फॉर डाइल्यूटिंग एसिड और बेस. लेकिन अगर आप एसिड के अंदर पानी डालते हो तो बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन इज डैश इन नेचर एक्सोथर्मी. कौन सी रिएक्शन होती है? एक्सोथर्मिक. तो उसकी वजह से क्या होगा? इट इज गोइंग टू क्रिएट ए ब्लास्ट. सो दिस इज अ करेक्ट मेथड फॉर डायल्यूटिंग ए एनी एसिड. हियर द सेम थिंग हैज बीन रिटेन. द एसिड मस्ट बी ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू ए वाटर विथ कॉन्स्टेंट स्टरिंग. सो इफ वाटर इज एडेड टू ए कॉन्सेंट्रेटेड एसिड द हीट जनरेटेड मे कॉज द मिक्सचर टू बी ए स्प्लैश आउट. तो अगर ये टाइप से किया, ये पूरा एसिड बाहर उड़ेगा.
स्प्लैश हो जाएगा एंड कॉजेज ए बर्न्स। ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक, तो कई बार ये कंटेनर पूरा ब्रेक होने के चांसेस होते हैं। सो दिस मेथड इज अ करेक्ट मेथड फॉर डायल्यूटिंग एनी एसिड। सो ग्लास कंटेनर में गेट एक्सेसिव लोकल हीटिंग, लुक आउट फॉर ए वार्निंग साइन। तो यहाँ पे वार्निंग साइन जो आपको बताया कि किसके अंदर क्या डालना है, ये यहाँ पे बता दिया है एक रेड के डिस्प्ले ऑफ ए कंटेनर कंटेनिंग ए कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड बीज। ऑन दी कैन बी ए कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड ऑन द बॉटल ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को भी धीरे धीरे ग्रेजुअली पानी के अंदर डाल के डिजोल्व किया जाता है, ना कि उसके अंदर पानी डालेंगे, अदरवाइज इट इज अ डेंजरस। मिक्सिंग एन एसिड और ए बेस विद द वाटर रिजल्ट इन ए डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयन। तो जितना हम पानी ज़्यादा डालेंगे तो आयन उतने कम प्रोड्यूस होंगे पर यूनिट वॉल्यूम। ये प्रोसेस जो है उसको हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन। सो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन बन जाता है, वॉट इज डाइल्यूशन और एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन ऑफ H2SO4। तो आपको पानी का ये जो मीडियम है उसके अंदर आपको एसिड डालते हुए आपको एक्सप्लेनेशन देना है और उसी पे से आपको ये प्रूव करना है कि एसिड का डाइल्यूशन करेंगे तो हाइड्रोनियम आयन कितना कम प्रोड्यूस होगा, इतना ज़्यादा कम, जितना कम उतना लेस डाइल्यूशन कम है। अगर जितना H3O+ ज़्यादा है तो उतना स्ट्रांग है, तो ये यहाँ से प्रूव होता है। सो प्रोसेस हैज बीन लर्न ओवर हियर। आपको इसके साथ एक्सरसाइज के अंदर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपको अच्छी तरह से करते हैं। नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यू। देन नंबर 1, व्हाई HClHNO3 शोज एसिडिक कैरेक्टर इन एक्वियस सॉल्यूशन, ये क्वेश्चंस को आपको लर्न करना है। देन नंबर 5, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोनियम आयन affected when a solution of an acid is diluted, it is going to be decrease. ये एक आपको याद रखना है, ये VSQ के अंदर ज़्यादा करके पूछे जाते हैं, उसको 1 mark के क्वेश्चन के अंदर बोला जाता है। उसी का ही बिल्कुल ऑपोजिट क्वेश्चन है, दैट इज नंबर 6, फाइंड 6 में भी इन ऑप्शन। तो आप किसी एक चीज़ को याद रख लेंगे तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। सो नंबर 1, नंबर 3, 5 and 6 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिमेनिंग रिलेवेंट टू दी हाउ स्ट्रांग आर एसिड और बेस सॉल्यूशंस दैट वी आर गोइंग टू सी इन अवर नेक्स्ट सेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ अस। रिमेनिंग पार्ट विल लर्न इन अ नेक्स्ट सेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ अस।